सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी का पढ़ने जा रहे हैं ऐसा इम्पोर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है विष के दांत, जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, इसी चैप्टर से संबंधित है। पहला सवाल कहता है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बनाए गए थे। आप सभी को बता दें कि नलिन बिलोचन शर्मा को पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष सन 1959 ईस्वी में बना दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दो को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दो कहता है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ था। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दो का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक जो शुरुआत है वह नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आ गए हैं। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन तीन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में या जो भी उनके द्वारा लिखित कहानी होती है उसमें मनोवैज्ञानिकता का तत्व जो है वो समग्रता से उभर कर आ गए हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। दोस्तों, ये भी सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा गया था कि विष के दांत कहानी जिसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, यह कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विष के दांत कहानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन पाँच कहता है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। आप सभी को बता दें कि यह एक बांग्ला भाषा का शब्द है, क्योंकि नलिन बिलोचन शर्मा इनका भी जन्म बांग्ला यानी बंगाल में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन छः कहता है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सेन साहब को कुल 5 लड़कियाँ थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 देख लीजिए। क्वेश्चन 7 कहता है, सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, इस कहानी में बताया गया है कि सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ड्राइवर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 कहता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं, यह व्यक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है। दोस्तों, यदि आप विष के दांत कहानी को पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि यह लाइन सेन साहब के द्वारा गिरधर लाल के बेटे मदन को कहा जाता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हो गई थी। पहला ऑप्शन 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961, ऑप्शन डी में दिया गया है 18 सितंबर 1961। तो यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन 10 कहता है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, यानी मदन जो था वो ज़्यादातर किसके हाथों के द्वारा उसकी लगातार पिटाई कर दी जाती थी। दोस्तों, कहानी पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि मदन के पिता का नाम इस कहानी में गिरधर लाल बताया गया है, और गिरधर लाल अपने बेटे यानी मदन को लगातार पिटाई करता है, यानी इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा मार का सामना मदन को करना पड़ता है। तो कहता है क्वेश्चन में कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था, तो मदन जो था वो गिरधर लाल यानी अपने पिता के हाथों से पीटता था। अगला सवाल उसमें 11 कहता है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। याद रखिएगा, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं।
उसके बाद में कहता है कि गिरधर लाल कौन है। अभी अभी हम इसका क्वेश्चन का आंसर बता ही दिए थे कि गिरधर लाल जो है ये मदन का पिता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन का पिता। उसके बाद में अगला सवाल कहता है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। याद रखिएगा मेघदूत पुस्तक नामक जो पुस्तक है इसका अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जर्मन भाषा। उसके बाद में कहता है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मैक्स मुलर जो है ये वेदांतियों का वेदांती है। उसके बाद में कहता है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था। दोस्तों संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक जो व्याख्या है यह किसके द्वारा किया गया था, तो मैक्स मुलर के द्वारा किया गया था। उसके बाद भी कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया जिसके माध्यम से भारत लगभग 200 वर्षों तक गुलाम रहा था, यही है वो महारानी विक्टोरिया जिसने नाइट की उपाधि कवि मैक्स मुलर को दिया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मैक्स मुलर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 कहता है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया है। दोस्तों याद रखिएगा कठ और केन उपनिषद का जो हिंदी अनुवाद है वो मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया है, जर्मनी में रहने वाले तमाम नागरिकों की भाषा में किया है। उसके बाद में कहता है कि लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। दोस्तों याद रखिएगा लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, यानी संस्कृत की शिक्षा हासिल किया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, संस्कृत। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है इग्निस किस भाषा का शब्द है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इग्निस जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, सी। उसके बाद में कहता है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जनरल कनिंघम का जो संबंध है यह एक पुरातत्व के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे होगा, तो पुरातत्व से होगा। उसके बाद में कहता है कि 172 दारिश नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पठित पाठ के आधार पर बताया गया है कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का से भाड़ा हुआ घड़ा यह वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में मिला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है। आप सभी को बता दें नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है और बिहार का एक सुप्रसिद्ध जिला जिसका नाम है नालंदा, यहीं पे सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद में कहता है कि भारत से हम क्या सीखे कहानी के रचनाकार कौन है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत से हम क्या सीखे यह एक रचन कहानी है जिसके कहानीकार मैक्स मुलर जी हैं। उसके बाद में कहता है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। दोस्तों नृवंश विद्या का जो संबंध है वो मानव विज्ञान से है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव विज्ञान। अगला सवाल कहता है वारेन हेस्टिंग्स था। दोस्तों हाँ वारेन हेस्टिंग्स जो था यह भारत का गवर्नर जनरल था। जब महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड से अपना सबसे पहला जो गवर्नर बना के भेजा था भारत में शासन करने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल उस समय में वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद में कहता है नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। आप सभी को बता दें कि नाखून के बढ़ते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन को लिया गया है और नाखून बढ़ते हैं इसका इतिहास जो है वो कामसूत्र पुस्तक में मिलता है। उसके बाद में कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था। आप सभी को बता दें कि आपके पाठ्य पुस्तक में रचित कहानी जिसका नाम है नाखून के बढ़ते हैं उसी के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और इन्होंने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था, तो लखनऊ वीवी विश्वविद्यालय में प्राप्त किया था। उसके बाद में कहता है कहानी में चंद्राकार त्रिकोण तंदुल वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो यहाँ पे नख हो जाएगा और नख को बताया गया है यहाँ पे नाखून से हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का जो नाखून का आकार होता है चंद्राकार
त्रिकोण तंदुल वर्तुलाकार आकृतियों में होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही नख यानी नाखून हो जाएगा। उसके बाद में कहता है अलक्त, अलक्त का अर्थ क्या होता है? दोस्तों अलक्त का अर्थ होता है आलता, जो खास करके लड़कियों के द्वारा उंगलियों पर लगाई जाती है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 5 कहता है द्विवेदी जी को साहित्य एकेडमी पुरस्कार किस रचना पे मिला था? आप सभी को बता दें कि आलोक पर्व पर यह एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा एक रचित साहित्य है और इसी को साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इसी आलोक पर्व की रचना पर। उसके बाद में कहता है प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? देखिए प्राचीन मानव यानी बीते हुए समय में जो भी इंसान हुआ करते थे, मानव हुआ करते थे, उनका लड़ने के लिए अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो हथियार के रूप में काम करता था वो नाखून था। नेल यानी नाखून क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है कि आर्यों के पास क्या था? दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि आर्य के पास क्या था? तो आर्यों के पास लोहे का भी अस्त्र था, घोड़ा भी था और कच्ची पक्की मिट्टी के घर भी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद में कहता है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? आप सभी को बता दें कि महर्षि कालिदास का कहना था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। उसके बाद में कहता है कि नख धर मनुष्य आज भी किस पर भरोसा कर रहा है? दोस्तों आप सभी को बता दें कि नखधर मनुष्य आज भी एटम बम पर भरोसा कर रहा है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा एटम बम पर। उसके बाद में कहता है कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य गौतम बुद्ध का है। इन्हीं का जन्म नेपाल देश के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। मैट्रिक एग्जाम पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ किया था। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। उन्होंने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति बिहार के एक सुप्रसिद्ध जिला जिसका नाम है गया, वहीं पर इन्होंने सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति किया था। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने सबसे पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के एक सुप्रसिद्ध जिला जिसका नाम है सारनाथ, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश ये दिया था और उनकी मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हो गई थी। तो हे दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन का सलूशन बताया गया है वो सभी क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन था सभी के सभी क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप PDF डाउनलोड करके तमाम क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये जैसे ही सवाल आपको देखने को मिले आप उसका सटीक एवं शुद्ध आंसर दे सके। तो हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VBI ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।